जब भी बच्चे कुछ बढ़िया हेल्दी खाने की जिद करें तो उन्हें ये शकरकंद से बनने वाले चिप्स खिलाइए। आइए देखते हैं कैसे बनेंगे स्वीट पोटैटो चिप्स। हम गैस ऑन करते हैं, मीडियम फ्लेम रखा है, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी। मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने एक जुगाड़ सोचा है, टेम्परेट रखा है और छलनी रखी है। स्वीट पोटैटोज हैं मेरे, यदि आपके यहाँ स्टीमर है तो आप स्टीम भी ले कर सकते हैं। मैंने सेपरेटर का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि जो शकरकंद की जो मिठास है वो पानी में घुल कर ख़त्म ना हो जाए। एक बढ़िया सा उबाल आने दीजिए, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे। पक गए हैं या नहीं, बिल्कुल ये बढ़िया तरीके से बॉईल हो गए हैं। देखिए बिल्कुल इसे मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा आधा कटोरी मैदा और ये थोड़ी सी चीनी। इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम एक डो तैयार करेंगे। आधा डो ले लिया है आटे का, पलथन की ज़रूरत पड़ रही है तो पलथन लगाते जाएं। आप चाहें तो कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ट्रिक निकाली है। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, अब हम इन्हें एक एक करके डीप फ्राई कर लेंगे। फिलहाल ये बिल्कुल रेडी हो। आप यकीन मानिए यदि आप बच्चों को खिलाएंगी तो बच्चे खुश भी होंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। बहुत शानदार स्नैक्स है, बच्चों की भी फेवरेट डिश बन सकती है। तो देर मत कीजिए, वीडियो देखिए और झटपट आप भी बना डालिए अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही मज़ेदार डिलीशियस डिशेज की रेसिपी देखने के लिए लॉग ऑन करें www.pakwangali.in पर और हमें ट्विटर पर फॉलो करें और फेसबुक पर लाइक और कमेंट कर सकते हैं।